साहब ने क्लिप भेजा एक साहब का, आपके कोई मौलाना के किसी मसलक से बात कर रहे थे टीवी पे, कहने लगे कि रसूल खुदा ने जितने मौजज़ात सारे अंबिया को दिए हैं उससे ज़्यादा मौजज़ात रसूल खुदा को दिए हैं, लेकिन एक शेर रसूल खुदा को अल्लाह ने अता नहीं की, वो है शहादत। और फिर कहने लगे कि नहीं, लेकिन शहादत की दो किस्में हैं, सिर्री और अलनी। सिर्री शहादत छुपी हुई शहादत, अलनी आश्कार शहादत खुली हुई शहादत। छुपी हुई शहादत जहर से होती है, खुली हुई शहादत तलवार से। तो कहा लेकिन अल्लाह ने रसूल खुदा को दो नवासे अता कर दिए, एक को सिर्री शहादत दी, दूसरे को अलनी शहादत दी। हसन मुश्तबा की शहादत जहर से हुई और हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम दोनों की उनकी शहादत हुई तलवार से। तो अल्लाह ने रसूल खुदा को दो नवासे दे दिए, तो उनको शहादत नहीं दी थी, इन दोनों को शहादत दे दी, तो इन दोनों की शहादत इनकी शहादत नहीं है, रसूल खुदा की शहादत है। अलबत्त हमारा अकीदा यह है कि खुद रसूल खुदा की भी शहादत, उनको जहर दिया गया है, मैं उसमें नहीं जा रहा। लेकिन एक जुमला यहाँ पर ज़रूर कहूँगा, बगैर मौलाना का नाम यहाँ पर आपके सामने जिक्र किए, वो कहते हैं कि इन दो नवासों की शहादत इनकी शहादत नहीं है, इन दोनों की शहादत रसूल खुदा की शहादत है, क्योंकि ये दोनों रसूल खुदा के नुमाइंदे थे। तो छुपी हुई शहादत भी रसूल खुदा की शहादत और खुली हुई शहादत भी रसूल खुदा की शहादत। हसन मुश्तबा की शहादत भी रसूल खुदा की शहादत है और हुसैन इब्ने अली की शहादत भी रसूल खुदा की शहादत है, मैंने मान लिया मौलाना साहब। लेकिन एक जुमला मैं भी कहना चाहूंगा, अगर इन दोनों की शहादत इनकी शहादत नहीं रसूल खुदा की शहादत है, तो फिर यह भी मानिए इन दोनों का कातिल इनका कातिल नहीं रसूल खुदा का कातिल, और रसूल खुदा का कातिल इन दोनों का कातिल इनका कातिल नहीं रसूल खुदा का कातिल है। तो रसूल खुदा का कातिल कभी रज़ी अल्लाह अन्हु नहीं हो सकता।